उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिन पर नशा मुक्ति के विषय में कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें बड़े उत्साह के साथ डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। आइए जानते हैं उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। मैं डॉक्टर वर्षा दवानी, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में मानसिक रोग तज्ञ हूँ, जो पिछले 15 सालों से यहाँ पे OPD मैनेज कर रही हूँ। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। 10 अक्टूबर को हर साल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और हर बार एक थीम दी जाती है। इस बार की थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग अ ग्लोबल प्रायोरिटी, जिसका मतलब कि हमें हमारे मानसिक आरोग्य और उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जिसकी वजह से इसकी कारण ये है कि बहुत सारी मानसिक बीमारियाँ स्पेशली कोविड के बाद बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, और इसके साथ जो एक बीमारी जो बहुत उभर के सामने आई है वो नशा है। फिर वो नशा दारू का हो, बांग का हो, गांजे का हो, MDA हो, कोकेन हो और ब्राउन शुगर। और इसी को टैकल करने के लिए हमारे माननीय सिविल सर्जन तेलंग मैडम और दोरे सर, इन्होंने उनके प्रयासों से हमने सेंट्रल हॉस्पिटल में एक OST, जिसका मतलब है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, और व्यसन मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। पिछले 15 सालों से सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर में साइकेट्री OPD है, जहाँ पे हम व्यसन मुक्ति से संबंधित लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। पर माननीय सिविल सर्जन और असिस्टेंट एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर दोड़े और डॉक्टर बामना तेलंग के प्रयासों से हमने ये OPD स्टार्ट की है, जहाँ पे हम निःशुल्क ये पेशेंट्स ड्रग एडिक्ट्स का ट्रीटमेंट करेंगे। थैंक यू। आज जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस आहे। आपण 10 ऑक्टोबर हे जागतिक मानसिक आरोग्य दिवस म्हणून साजरा करतो आणि हे सगळे विश्वभरामध्ये साजरा होऊ राहिला आहे। तर त्या अनुषंगाने आपल्याकडे मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलला आपल्याकडे आज OST सेंटर हे उद्घाटन केलेलं आहे। आपल्याकडे पहिले पण होता मानसिक आरोग्य विभाग, पण आज सेपरेट त्यांची जागा आम्ही दिलेली आहे, जेणेकरून उल्हासनगर आणि सगळे ठाणे डिस्ट्रिक्ट, ठाणेपासून तर आपले बदलापूर अंबरनाथपर्यंतचे सगळे जेवढे पण मानसिक रोगी आहे किंवा ज्यांना काही मेंटल प्रॉब्लेम आहे, त्यांनी येऊन इथं आपला ट्रीटमेंट आणि उपचार घेऊ शकतात। तर जे अंमली पदार्थाचं व्यसन करतात त्यांनी पण येऊन इथं आपलं काउन्सिलिंग करून घेणे व ट्रीटमेंट करून घेणे। त्याच्यासाठी आपल्याकडे डॉक्टर वर्षा दवानी हे मानसिक सायकेट्रिस्ट म्हणून इथं उपलब्ध आहे। मी डॉक्टर सतीश तळेकर आहे। मी OST मेडिकल ऑफिसर आहे सेंट्रल हॉस्पिटल उल्हासनगरमध्ये। माझी OST ट्रेनिंग झालेली दिल्लीला, पण YRG केअरनी पण ट्रेनिंग घेतलेली आहे आणि MSAC पण ट्रेनिंग घेतलेली आहे। मी OST मेडिकल ऑफिसर आहे। OST म्हणजे काय? तो ओपाईड सबस्टिट्यूशन थेरपी। ओपाईड सबस्टिट्यूशन थेरपी म्हणजे OPM, हिरॉईन, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन पेथिडिन, इंजेक्शन फोर्टविन, इंजेक्शन ट्रॅमेडॉल यांची जे नशा करतात त्यांच्यासाठी इथे बुप्रेन ऑर्पिन नावाची टॅबलेट दिल्या जाते। त्याच्यामुळे त्यांना नशा करायची इच्छा होत नाही आणि ते चांगले होतात। ट्रीटमेंट 1 ते 2 वर्ष घ्यावं लागते आणि ही निःशुल्क आहे। आणि इथं आज OST सेंटरचं उद्घाटन माननीय सिव्हिल सर्जन डॉक्टर भावना तेलंग यांच्या हस्ते झालेलं आहे। इथून पुढे इथं ट्रीटमेंट डेली देण्यात येईल, रविवारी पण ट्रीटमेंट देण्यात येईल। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।